आपका जयपुर डायलॉग्स एक महत्वपूर्ण सोपान पर पहुंचने वाला है। जी हाँ, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो 10 लाख यानी 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं, और इसके लिए आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया है दी मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज। यानी आपको इसे शीघ्र मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंचाना है। कितनी जल्दी आप पहुंचा सकते हैं, इसी में आपकी जयपुर डायलॉग्स के सब्सक्राइबर्स की, फॉलोअर्स की, उनकी परीक्षा है। दी मिलियन नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं केजरीवाल और एक साझा विपक्ष। तो उसमें केजरीवाल क्या एक उस पैक में जोकर की तरह हैं जो उस साझा विपक्ष में सेट नहीं हो रहे हैं? आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं इस समय ओंकार चौधरी जी और धीरेंद्र पुंडीर जी अभी जुड़ेंगे। जी, धीरेंद्र पुंडीर जी का भी हम स्वागत करेंगे। ओंकार जी, प्रश्न बहुत सीधा सा है कि अब केजरीवाल जी का ऑर्डिनेंस टेस्ट है, अब उनकी शक्तियों का जो वो दुरुपयोग कर रहे थे उस पर लगाम लगाने के लिए ऑर्डिनेंस सरकार ले आई है, जिसका उसे अधिकार है। संविधान में भी जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली जो बनाई गई है, जिस संविधान संशोधन के माध्यम से 239AA, उसके ही सबसेक्शन 3B में ये पूरा अधिकार दिया हुआ है केंद्र को कि वह किसी भी लिस्ट के लिए कोई भी कानून ला सकता है यूनियन टेरिटरीज के लिए, और ये यूनियन टेरिटरी है। तो 239AA में भी वो अधिकार दिया हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें भी ये लिखा हुआ है कि भाई इस पे लॉ जब तक नहीं लाया गया तब तक हम ऐसे करेंगे। तो ये ऑर्डिनेंस तो आ गया, अब ये जाएगा संसद में। संसद में वहाँ परीक्षा होगी, विशेषकर राज्यसभा में। राज्यसभा में 118 का बहुमत इस समय चाहिए, 110 तो भाजपा के पास ही हैं, बाकी बचे 8। अब ये बताएं मुझे कि कांग्रेस का क्या रुख रहेगा इस ऑर्डिनेंस के प्रति, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 2024 के लिए जो व्यूह रचना की जा रही है पूरे विपक्ष को एकत्र करने के लिए। बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने पूछ लिया है, और ये इसलिए भी अहम है संजय जी, क्योंकि जो मुहिम चला रहे हैं KCR या जो मुहिम चला रहे हैं नीतीश बाबू, उसमें अरविंद केजरीवाल का जो रुख रहा है वो कांग्रेस के साथ खड़े ना होने का रहा है। और कांग्रेस ने अभी बेंगलुरु में जो कुछ हुआ है शपथ समारोह, उसमें भी जिन 3-4 लोगों को बुलाना मुनासिब नहीं समझा, उनमें केरल के मुख्यमंत्री भी हैं, उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, KCR भी हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो राज्यसभा में जो विधेयक लाया जाएगा इस ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए, उसमें इनका साथ देगी? और कांग्रेस के लीडर क्या ये नहीं जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल चाहे दिल्ली में, चाहे पंजाब में, चाहे गुजरात में जितना बढ़े हैं या दूसरे राज्यों में जितना वो बढ़ रहे हैं, वो कांग्रेस की ही कीमत पर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा, एक असमंजस की स्थिति रहेगी कि वो विपक्षी एकता के नाम पर अरविंद केजरीवाल की मुहिम को सपोर्ट करे या फिर उससे अपने को अलग रखे। अब आपने जो कहा है कि साहब 110 तो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उसको 118 अगर चाहिए
तो अतीत में भी हमने देखा है, नवीन बाबू हो या आपके जगन मोहन रेड्डी हो या इस तरह की एक दो और पार्टियां हो, वो हमेशा राष्ट्रहित से जुड़े हुए मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती रही हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधेयक रहे हैं वो राज्यसभा में इन्होंने अटकने नहीं दिए हैं। और कोई विपक्षी दलों में भी जिनके दरवाजे पर अब ये जाएंगे, दस्तक देंगे और उनसे समर्थन की भीख मांगेंगे, क्या वो सारे भूल चुके हैं क्या? इन्होंने किस किस के बारे में क्या क्या नहीं कह रखा है? और अगर सब 2024 की तैयारियों के लिए या विपक्ष को एकजुट करने के लिए अतीत में अरविंद केजरीवाल ने किसी के बारे में क्या कहा है उसको अगर भूलने को तैयार भी हो जाएं, तो भी राज्यसभा में ये इस विधेयक को रोक पाएंगे मुझे तो नहीं लगता है। जी, ये तो ठीक बात कही आपने कि राज्यसभा में विधेयक को रोक पाएंगे या नहीं, ये इसके तो प्रश्न चिन्ह ही है। आज संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के विरुद्ध खुलकर मोर्चा खोल दिया और अजय माकन का जो केजरीवाल के प्रति रुख रहता है वो भी आप जानते हैं। आज नीतीश कुमार की भेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और वहां पर राहुल गांधी भी उपस्थित थी उनसे हुई, लेकिन उससे बाहर निकलने के बाद किसी भी प्रकार का ना तो आपने दोनों ही तरफ से कोई स्टेटमेंट देखा। अभी तो चर्चा तो यह है कि राहुल गांधी ने केजरीवाल के पृष्ठभूमि से आ रहे नीतीश कुमार को, एक दिन पहले वो केजरीवाल से मिले थे और उन्होंने उनकी बात को बिल्कुल भाव नहीं दिया, ऐसी बातें चल रही हैं, हमें स्पष्ट पता नहीं है, ये मैं कैवेट लगाऊंगा। तो जो वही वाला प्रश्न है कि अब कांग्रेस क्या करेगी, सबसे सरल तो उसके लिए यह है कि वो एब्स्टेन हो जाए। देखिए, संदीप दीक्षित तो जो कांग्रेस नेतृत्व है उससे भी खफा खफा से चल ही रहे हैं और काफी समय से चल रहे हैं। जो राहुल गांधी की कोटरी के कुछ चेहरे कभी हुआ करते थे उनमें से कुछ तो निकल लिए हैं, वैसे कुछ अभी बचे हैं, उनमें कभी भी संदीप दीक्षित रहे नहीं। तो संदीप दीक्षित समय समय पर कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कांग्रेस नेतृत्व को थोड़ा असहज करे। और संदीप दीक्षित ने जो बयान दिया है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है उससे भी ये स्पष्ट होता है कि संदीप दीक्षित जो हैं वो एक अलग ही भूमिका रखे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल के प्रति तो इसलिए भी वो सख्त हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनकी माताजी को हराया था, उनकी माताजी पर बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगाए थे जो कि किसी को यकीन कभी नहीं हुआ, पर पता नहीं मतदाताओं को शायद यकीन हो गया था अरविंद केजरीवाल पर। और संजय जी, मैं तो चूंकि NCR दिल्ली में रहता हूं और ख़ास तौर से पूर्वी दिल्ली के इलाके से जुड़े हुए क्षेत्र में ही रहता हूं, तो पूर्वी दिल्ली में जितना विकास शीला दीक्षित के समय हुआ है इतना कभी नहीं हुआ। और अभी धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़ेंगे तो वो अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं इस पर, लेकिन इस पर ज़्यादा समय जाया ना करते हुए मैं यही कहूँगा कि संदीप दीक्षित ने जो एक और बयान दिया है कि ये इतने असभ्य हैं, ये इस तरह की भाषा का यूज करते हैं जैसी भाषा का यूज और कोई पूरे देश में मुख्यमंत्री नहीं करता है या नेता नहीं करता है, और इसलिए चाहे उपराज्यपाल हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो वो इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, पसंद नहीं करते इनसे बातचीत करना। संदीप दीक्षित का ये कहना कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में ही ये 8-10 दिन के लिए जेल जाएंगे, ये भी शो करता है कि वो एक अपनी अलग लाइन लिए हुए हैं और खरी खरी कम से कम अरविंद केजरीवाल के मामले में तो सुना ही रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की किस तरह की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, मुझे तो लगता है कि इस पूरे मामले को ये इसलिए भी तूल देना चाहते हैं ताकि हाल में जितने प्रकरण हुए हैं, सत्येंद्र जैन ऑलरेडी
30 मई से तिहाड़ में हैं और इनके दूसरे साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया भी, उनका भी यही हाल है, वो भी जेल में हैं, दोनों को जमानत नहीं मिल रही है। इस बीच नया मामला सामने आ गया कि अपने बंगले के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च कर दिया। तो एक तरीके से इनकी जो आम आदमी की गढ़ी हुई छवि थी वो तो इन भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार इनके सहयोगी और इनके अपने बंगले के रिनोवेशन पर खर्च किए गए 45 करोड़ से पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। ये बहुत डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह के मामलों को तूल देने पर आमादा हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ करके इस प्रश्न के उत्तर का खत्म करूंगा। क्या अरविंद केजरीवाल को पता नहीं है कि ये यूनियन टेरिटरी है? क्या ये पूर्ण राज्य है? क्या नीतीश कुमार को पता नहीं है कि ये यूनियन टेरिटरी है? जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश बाबू हिमायत कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की, मतलब इतना दोगलापन, इतने दोहरे मानदंड कहाँ से लेकर के आते हैं ये नेता? एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री कई बार के रह चुके हैं नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार को ये जानकारी नहीं है कि ये केंद्र शासित प्रदेश है? और वो भी छोड़ दीजिए, वैसा भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जैसे लद्दाख है या जम्मू कश्मीर है या दूसरे हमारे राज्य हैं, ये देश की राजधानी है और देश की राजधानी पर किसी भी चुनी हुई राज्य सरकार का एकाधिकार नहीं हो सकता है। यानी सारे काम आप उसको नहीं सौंप सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी, वहां भी लगभग ऐसा ही मसला है, लेकिन पूरा नियंत्रण जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रहता है। तो यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए ये कहना कि साहब दिल्ली की जनता पर मोदी सरकार ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया है, मैं घर घर जाऊंगा, तो लोगों ने कुछ कह भी दिया उस पर सोशल मीडिया पर कि भैया घर घर मत आओ, सबको अपने घर बुला लो, हम कम से कम शीश महल को देखें कि तुमने शीश महल कैसे बनवाया है। तो एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, एक ऐसा माहौल बनाना कि जैसे दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए हों। दिल्ली की जनता कहती है कि आप चीफ सेक्रेटरी को बुला करके धमकाओ, सटकाओ, जोर जबरदस्ती करके किसी फाइल पर साइन कराने की कोशिश करो, या सतर्कता विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी के रूम में घुस जाओ, ऑफिस में घुस जाओ, वहाँ से फोटो स्टेट करवाओ जितने भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइलें हैं। ये दिल्ली की जनता आपको बता रही है, कह रही है कि आप ऐसा करो, तो भ्रष्टाचार करेंगे आप और वोट लेंगे आप दिल्ली की जनता की। दिल्ली की जनता में तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी पछता रहे होंगे कि हमने कैसे आदमी पर भरोसा कर लिया, जो मतलब गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता होगा जितने ये बदलते हैं। जी जी, धीरेन्द्र जी जुड़ गए हैं, तो धीरेन्द्र जी से वही मैं प्रश्न पूछूंगा कि ये जो ऑर्डिनेंस टेस्ट पास करना है भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में, उसके कुछ मत कम हैं, 8-10, तो आप कांग्रेस को क्या स्टैंड लेते देखेंगे जब ये ऑर्डिनेंस जाएगा राज्यसभा में? जी नीरज जी, सुन पा रहे हैं आप? और म्यूट है मेरा, अब आगे है आप। हाँ जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले माफी मांग रहा हूँ क्योंकि अनस्टेबल उसमें हूँ, इंटरनेट जोन में, हालांकि आज पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बातचीत हम लोग करते हैं। जो जिस तरह का माहौल इस समय क्रिएट हो रहा है संजय जी, मुझे लगता है कि एक दूसरे किस्म की राजनीति का एक अलग फेज हम होते हुए देख रहे हैं। चूंकि एक तरफ लोग मोदी के समर्थन के लिए बहुत उस तरह से, जिस तरह से 2014 में 2019 में हमने देखा, उनके अपने फ्लैंक में थोड़ा सा असंतोष दिख रहा है या उस तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा है। उनके पास बहुत ताकत है वो, चूंकि एक सवाल मुझे हमेशा रहेगा कि किसी पापुआ न्यू गिनी, जिसको हम लोग पढ़ते थे दुनिया के 10 सबसे छोटे देशों में,
कहाँ है इस पर तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। वो शख्स अगर पैर छूता है वहां का प्रेसिडेंट या जो प्रीमियर सिंह है, तो ये एक अलग किस्म पे एक लीडरशिप को ले जा सकता है। दुनिया के किसी देश के प्रधानमंत्री के पैर छूना किसी राष्ट्राध्यक्ष तक, ये एक बिल्कुल अलग की कहानी है जो ये बताती है कि वो कहाँ है। लेकिन प्रदेश की राजनीति में अगर हम देखते हैं तो वो कहीं और चीज दिखाई देती है। दूसरी तरफ आपने आज देखा होगा कि किस तरह से ट्वीट करके हरियाणा में बता दिया गया है कि 100 गज का प्लॉट फ्री दिया जाएगा गरीबों को। इससे पहले हमने देखा पहली 5 गारंटी उस राज्य पर जिस पर 2 लाख समथिंग करोड़ का कर्ज है। तो उस तरह के बीच में हमको लगता है कि वहां कोई सिद्धांतों की बात करेगा वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा अतिरंजित होंगी चीजें, तब ऐसा हो पाएगा। कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बड़ी बहुत ही अजीब सी है। वो कहीं दिख रही है कि उसको आज का दिन, इसलिए भी आपने चर्चा के लिए मुझे लगता है इसीलिए चुना है कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का चुनाव जब हुआ था तो आपने बिल्कुल 22 मई आपने मुझे लगता है इसीलिए चूज किया है इसके लिए कि कौन ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस स्थिति में कांग्रेस जो है पुनर्मुस्को भाव की स्थिति में फिर वापस जाएगी कि वो इनको आगे बढ़ाए कि अपने किसी आदमी को बढ़ाए जो आदमी उनको अभी दिख नहीं रहा, और फिर अचानक जब विरोध हो उनको लग रहा है कि वो जीतेंगे, इतनी तरह की अलग अलग किस्म की वो कोशिश कर रहे हैं ये बता सकें कि आखिर वो क्या करेंगे। तो इस मसले में जो आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कई बार देखा है कि बीजेपी ने इसी कम बहुमत के बावजूद अपनी चीजों को पास करा लिया है, और जो विपक्षी जिसकी एकता की बात की जा रही है वो ये कह रहा है कि मेरे राज्य में तो मैं हूं, बाकी तुम्हारे में मुझे कुछ हिस्सा दे दीजिए, अपने में मैं हूं लेकिन तुम अपने राज्य में से मुझे। तो तमाम लोग इस तरह से कह रहे हैं कि मेरे 22 तो मेरे 22 है लेकिन तुम्हारे पास जो 22 है उसमें मेरे 12 है। तो वो लड़ाई कितनी देर तक चलेगी, कितनी देर तक वो मिलेगा, क्योंकि केसीआर ये मान लें कि केजरीवाल बड़ी चीज है, केजरीवाल ये मान लें कि नहीं हमको दम दिख रहा है ममता दीदी में, ममता दीदी मान लें कि नहीं अखिलेश भविष्य है उनकी तरफ बढ़ जाए, और अखिलेश जी को अचानक लगने लगे कि चौधरी चरण सिंह जी का मिशन अधूरा है इसलिए जयंत चौधरी को हम आगे कर दें। तो ये कहानियां इसी तरह है जैसे बचपन में हम पोसंपा भाई पोसंपा किस साथियों ने घड़ी चुराई वाला एक खेल देखते थे, तो उसी तरह का खेल अभी चल रहा है। तो मैं नहीं मानता कि इसमें बहुत ज्यादा उसको दिक्कत आएगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में वापस वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस वो चीजें करेगा। चूंकि मैं बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को लेकर नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इस देश के नागरिकों की तरह मेरे लिए भी बहुत सारा वो एक सातवीं दुनिया में बैठा हुआ, सातवें चांद पे बैठा हुआ एक ऐसा दरवाजा है जो हिंदुस्तानियों के लिए बंद है, बाकी किसी के लिए भी खुला हुआ हो। तो वो लड़ाई पूरी ताकत अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, राज्यसभा में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत उनको आएगी, क्योंकि अभी तक वाईएसआर या तमाम चीजें एक मिनट में रोकूंगा, मैं दिक्कत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मुझे भी पता है कि वो निकाल ले जाएंगे, उसमें उनको कोई समस्या नहीं होगी। मैं तो केवल आपको ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस का रुख क्या रहेगा, क्या वह इसके विपक्ष में वोट करेगी या कि वह एब्स्टेन करेगी, या कि जैसा कि कई बार हुआ है वो भाजपा के साथ खड़े होकर इनको पीटने का प्रयास करेगी केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल ने लगातार, मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, केजरीवाल ने लगातार कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली उन्होंने कांग्रेस से छीनी, पंजाब उन्होंने कांग्रेस से छीना, फिर उसके बाद गुजरात में उन्होंने कांग्रेस की लुटिया पूरी तरह से डुबो दी, अब वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक्टिव हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो उसके तो कान खड़े हो रहे होंगे कि यार 2-3 जगह तो इनको हमको ये पीट चुके हैं और ये फिर यहाँ पर शुरू हो गए। जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट है वहाँ वहाँ ये घुस रहे हैं। तो कांग्रेस क्या करेगी ऐसी स्थिति में, यह है प्रश्न।
ओ माफ कीजिएगा, क्योंकि वो मैंने कहा इंटरनेट की वजह से पूरा नहीं मैं सुन पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्थिति में कांग्रेस केजरीवाल का साथ देती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस को जो कर्नाटक की जीत है वो उसको वापस, ऐसा लगता है उन लोगों को, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं को, जिनको लगता है कि राहुल गांधी की उस यात्रा ने, जो उन्होंने यात्रा की है सुदूर दक्षिण से शुरू करके, उनको उन्हें वापस सत्ता में ला रही है, लिहाजा उनका हक बैठता है कि वो तमाम विपक्षियों के लिए खड़े हों, और विपक्षी में इस समय केजरीवाल हैं, और ये जरूर है कि उनको हर बार चोट उनको केजरीवाल से, क्योंकि केजरीवाल वही स्पेस ले रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ रही है, या कांग्रेस से वो स्पेस ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी स्थिति है जहां कांग्रेस इस वक्त, जब वो 2024 की निर्णायक लड़ाई के लिए अपने आप को एकमात्र योद्धा मान रही है जिसके नेतृत्व में लड़ा जा सकता है, यहां तक कि अगर आप गौर करें तो 200 सीटें देने को तैयार है बाकी सब की, कांग्रेस अगर चाहे तो इन पर लड़ सकती है, तो अगर ऐसा है तो कांग्रेस उन 200 को भी लपक लेना चाहेगी, क्योंकि है तो उनके पास अभी 50-52 ही, तो लिहाजा वो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो मैं तो यही देख रहा हूं कि वो शायद अब्स्टेन करने के चांसेस कम है, वो कोशिश करेगी कि साथ में खड़ी दिखाई दे केजरीवाल के, ऐसा मुझे लगता है। जी अब आप बताएं कि जो मत है धीरेन्द्र जी का, उस पर आप क्या सोचते हैं ओंकार जी? म्यूटेड है। मेरा ये मानना था और मैंने कहा भी था कि केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में जो 36 का आंकड़ा है वो अभी दिखाई भी दिया है। बेंगलुरु में जिन लोगों को कांग्रेस ने नहीं बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में, उनमें अरविंद केजरीवाल भी हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी गरज के लिए किसी के पास भी अब जा सकते हैं, जबकि इन सबको वो भ्रष्ट बता चुके हैं, और शायद ही कुछ दल कुछ नेता अरविंद केजरीवाल की उन बातों को भूल जाएं, कुछ तो इन्हें सहयोग नहीं ही देंगे, और उनमें मुझे लगता है कि कांग्रेस भी एक दल होगा। उस समय वो उसके जो सदस्य हैं वो किसी ना किसी बहाने से वॉकआउट कर सकते हैं, ये भी संभव है कि कुछ रणनीतिक रूप से उस दिन अवकाश पर रह जाए, गायब रह जाए, कोई ऐसे समय मीटिंग रख दी जाए, कुछ भी हो करके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधेयक से भले ही सहमत ना हो कांग्रेस, पर वो केजरीवाल को मजबूत करने के लिए उसका समर्थन नहीं करेगी। जी, क्योंकि ये वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा दिमाग की अपेक्षा कांग्रेस के आज का जो नेतृत्व है उससे नहीं करता, लेकिन इनकी समस्याएं ही वहीं से आरंभ हुई थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए केजरीवाल का समर्थन कर दिया था दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। धीरेन्द्र जी बिल्कुल आपकी बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो इतिहास है कि किस तरह से कांग्रेस ने सोचा कि एक बार इनको हटा के फिर वापस वो अपना स्पेस ले लेगी, ये बहुमत में नहीं आएंगे, हुआ उसके उलट। लेकिन कई बार आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं, कैच 2020 वाली स्थिति में, कि आपके पास, मुझे मतलब मैं ये मेरी इस समय समझ कह रही है कि कांग्रेस ये सोच रही है कि इस वक्त दिल्ली उसके हाथ में ना है ना आनी है। इस वक्त वो जानते हैं कि वो कोई सेकंड पोजीशन में भी नहीं है कि अगर कोई स्पेस खाली होगा तो वो वहां जाकर बैठ जाएंगे। उनको मुझे लगता है कि अगर वो जरा सी भी धरातल की राजनीति समय कर रहे होंगे तो इस वक्त उनके पास बेस्ट बैट यही है कि वो बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष है कांग्रेस के, और जिसको राहुल गांधी का बहुत करीबी भी बताया जाता है, शाहनवाज, उसने कांग्रेस की तरफ से उन तमाम मुद्दों को, यानी उसने इस तरह की बातें की और विरोध प्रदर्शन करने की कहा कि जो 1998 का जो वो रिलीजियस पैलेस एक्ट है उस सब पे विरोध करते हुए कहा कि ये कांग्रेस तमाम, ये जो बीजेपी है ये तमाम मस्जिदों पर कब्जा कर लेगी। अयोध्या में हो चुका, मथुरा और काशी, अभी
दिख रहा है जिस पर कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है, यानी उस जो एक्ट है उसको नलीफाई किया जा रहा है। तो वो कोशिश कर रही है कि 1992 में जो जमीन उसने खोई थी उसको वो उसी मुद्दे से वापस ले सके जिसमें, तो लिहाजा वो कहीं भी कांग्रेस इस समय एक राज्य के लिए मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी का कहीं से दूर तक भी समर्थन करती हुई दिखे, क्योंकि उसकी जो लीडरशिप है वो पीएफआई पर बैन के बरक्स बजरंग दल पर बैन को बराबर करती है, वो कोशिश कर रहे हैं आप देखेंगे कि मुस्लिम वोटों के लिए। और ये एक बात जो आम चर्चा है उत्तर प्रदेश में, मैं मानता हूं कि ओंकार सर्विस पर बताएंगे कि जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम्स के अंदर अब ये बातें भरी जा रही हैं कि आप सबको अजमा चुके हैं और आपके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है, आप समाजवादी पार्टी को 91% वोट कर चुके टोटल का, या आपने दूसरी पार्टियों को दिया, लेकिन कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो आपको वो पोजीशन दे सकती है या सत्ता में बीजेपी को रोक सकती है। इसको वो यूपी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसी को वो आने वाला समय आपको दिख रहा राजस्थान में वो किसी स्पेस को देने नहीं देते, और वहां मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई बहुत मतलब है। तो लिहाजा दिल्ली के लिए कांग्रेस की ये मजबूरी है कि अगर कांग्रेस को 24 के नेतृत्व में और वो ओवेसी या तमाम पार्टी को जो भी पार्टी बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है, आपने देखा होगा अरशद मदनी का जो बयान है वो भी इसी तरफ इशारा करता है, कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस को इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ फिर से खड़ा होना पड़ेगा, भले ही वो मन मार के हों, लेकिन इस समय सवाल मुस्लिम वोटर्स का है। जी धीरेन्द्र जी ने अरशद मदनी के बयान का उल्लेख किया है, आप कैसे देखते हैं इसको ओंकार जी? संजय जी, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तो हो सकता है कि एक बार को पीछे हट जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आने पाए, जो गलती उसने दिल्ली में भी की, जो गलती उसने पश्चिम बंगाल में भी की। पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी ने नक्सलबाड़ी के अलावा कहीं कोई जनसभा नहीं की थी, कहीं कोई जनसंपर्क नहीं किया था, राज्यों तक तो ठीक है ये, लेकिन जब सेंट्रल की बात आती है तो आप जयराम रमेश का वो बयान याद करिए, जब इसी तरह के कुछ बयान ममता बनर्जी की तरफ से या कुछ दूर और लोगों की तरफ से आए थे तो जयराम रमेश ने कहा था कि ये जो विपक्षी एकता के नाम पर और समझौते के नाम पर अगर ये लोग चाहते हैं कि हम अपने को 300 सीटों तक सीमित कर लें, ये नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताइए और धीरेन्द्र जी से भी पूछना चाहूंगा, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 की 7 लोकसभा सीटें क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ देगी? वो नहीं लड़ना चाहेगी। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में, जो अभी आपने भी कहा था शुरुआती अपने स्टेटमेंट में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के लिए स्पेस छोड़ेगी? अखिलेश यादव क्यों नहीं गए बेंगलुरु, थोड़ा सा सोचिए। वो बिल्कुल इस समय कोई संदेश कोई संकेत नहीं देना चाहते कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। ममता बनर्जी इसीलिए नहीं गई, अरविंद केजरीवाल को इसीलिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि जो भी राजनीति इस समय चल रही है, दिखावे के लिए समझ लीजिए, मजबूरी में समझ लीजिए, एक पोस्चरिंग जरूर हो रही है नीतीश कुमार को आगे करके, लेकिन सबकी निगाह अब टिक गई है 2024 पर। ऐसे में कांग्रेस ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगी, ऐसा कोई भूले से भी संदेश या संकेत नहीं देना चाहेगी कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि अगर राहुल गांधी को उनको प्रधानमंत्री बनाना है किसी भी तरीके से तो वो हर सीट लड़ना चाहेंगे, दिल्ली में भी 7 सीटें लड़ना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल में भी अपनी ताकत आजमाएंगे, और पश्चिम बंगाल में तो सागर दिघी के बाद कांग्रेस का जो सुर है वो एकदम बदल गया है ममता बनर्जी के प्रति। आप अधीर रंजन चौधरी के हाल के बयान उठा करके देख लीजिए, और अब तो उनका आत्मविश्वास जो है वो 7वें आसमान पर है कर्नाटक की जीत के बाद, जब से ये दावा किया गया है कि मुसलमानों के
88% वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं, 10% केवल जेडीएस को मिले हैं। उसके बाद से तो ममता बनर्जी घबराई हुई है। ममता बनर्जी का बयान हमने और आपने देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में कांग्रेस अपने आप को 200 सीटों तक सीमित रखे और वहां हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्यों कहा ये ममता बनर्जी ने? क्योंकि ममता बनर्जी घबराई हुई हैं सागर दीघी के चुनाव परिणाम के बाद से। वहां मुसलमान वोट जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं और कर्नाटक में जिस तरीके से मुसलमानों के वोट कांग्रेस को मिले हैं, अब सारे क्षत्रपों को इंक्लूडिंग ममता बनर्जी अखिलेश यादव सबको इस बात का भय हो गया है कि 2024 में अगर पूरे देश में वही हो गया जो सागर दीघी और कर्नाटक में हुआ है तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि 2024 के लिए कांग्रेस अगर आगे बढ़ रही है, रणनीति बना रही है, तो वो अरविंद केजरीवाल से भी, ममता दीदी से भी सबसे दूरी बना करके रखना चाहेगी। कोई गलत संदेश यहाँ से नहीं देना चाहेगी। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न अवश्य पूछें, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप सभी को याद दिला दें कि मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज जो है वो इस समय भी अभी चल रहा है और हमारे पास अब केवल और केवल 7,000 सब्सक्राइबर्स और बचे हैं मिलियन सब्सक्राइबर करने के लिए। और इसी उपलक्ष में हमने अपने जो मर्चेंडाइज लॉन्च की थी 2-3 दिन पहले, उस पर 30% डिस्काउंट आरंभ कर दिया है, जिसके के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके, लिंक पर जाके आप उसे आदेश दे सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टी शर्ट्स हैं, ये वाला मग भी है जिससे मैं पानी पी रहा हूँ, तो आप अवश्य जाएं और देखें और 30% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। आइए अब हम धीरेन जी से एक बार फिर से पूछते हैं। देखिए, ये जो पूरी चर्चा थी उसको पर्सपेक्टिव में रख दिया है ओंकार जी ने, और ये पूरा का पूरा मसला ऑर्डिनेंस की तो बात इस हिसाब से की थी कि हम 2024 के लिए जो रणनीतियां बन रही हैं उसके अनुसार ही इसको होता हुआ संभवतः देखें, और वो बता दिया गया कि किस तरह से ममता उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अखिलेश उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, केजरीवाल नहीं है, आपके KCR नहीं है, और कहीं पर भी ये लोग जो हैं, जैसे एक बड़ा विचित्र सा बयान ममता बनर्जी का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कर्नाटका में कांग्रेस को सपोर्ट किया तो कांग्रेस को हमें बंगाल में सपोर्ट करना चाहिए। जी धीरेन जी, इस पूरे मसले में मैं तो यही कहूंगा कि जो सीटें हैं वो लड़ाई एक अलग होगी। अभी पोस्चरिंग की लड़ाई होगी, अभी पहले पोस्चर की लड़ाई है कि हम इस वक्त किस तरफ खड़े दिख रहे हैं। सारी मारामारी जो है वो मुस्लिम वोटर्स को लेकर है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए, तमाम लोग, अगर विपक्ष अगर किसी एक वोट पर रिलाई कर रहा है या जिसके लिए लड़ाई कर रहा है, वो एकमात्र वोट अल्पसंख्यक वोट है जो 81% 91% इस अंदाज से वोट करता है अगर हम उसको देखें तो। हालांकि जो हेडिंग्स होती है अखबारों की, खासतौर से अंग्रेजी के अखबारों की, वो हिंदू ध्रुवीकरण पर होती है कि नहीं हुआ हिंदुत्व पर हिंदू ध्रुवीकरण या फला, लेकिन उसी के नीचे वो विश्लेषक लिख देता है कि मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर इस तरफ वोट किया, वो ध्रुवीकरण नहीं होता है। तो जो पूरी लड़ाई है वो उसी वोट को लेकर है, और उस वोट के लिए पोस्टरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हम क्या करेंगे ये सवाल नहीं है, हमारा एजेंडा क्या है ये सवाल नहीं है। उनको मालूम है ये वोट जो फ्रीबीज है ये हिंदुओं के उस सेक्शन के लिए है जिसको वो कास्ट के आधार पर डिवाइड करते हैं, यानी आप अहिंदा या वो कलिगा या तमाम चीजें जो भी हम लोगों ने कर्नाटक में देखी है। तो वो फ्रीबीज का मतलब वहां होता है, मुस्लिम वोटर्स को फ्रीबीज से
कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ एक एजेंडा है कि जो हरा सकता है हम उसको वोट करेंगे, मुस्लिम है तो बहुत बेहतर है और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो सेकुलर है वो सेकंड नंबर पर आता है, उस सेकुलरिज्म में जो जितना ज्यादा अपीजमेंट करेगा वो उतनी फेवरेटिज्म की पार्टी हो सकती है। तो इस पूरे मसले में जो हम लोग दिल्ली पर की जो तमाम चीज, देखिए दो हिस्सों में है, एक दिल्ली पर मैं सिर्फ इस उस पर बात कर रहा हूं जो उस राज्यसभा में हम होते हुए देखेंगे उसमें ऑर्डिनेंस के दौरान। दूसरा चुनाव की बात है, तो चुनाव में मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी कांग्रेस को 2 या 3 सीट देने की ऑफर करेंगे, इतना जेनरस होंगे, और कांग्रेस दिल्ली जैसे राज्य में जहां वो अपने आप को नेचुरली सत्ता का हकदार कहने वाली है, जहां वो शो करना चाहती है, वहां वो 5 से कम सीट पर कभी लड़ने की सोच ही नहीं सकती है, चाहे भले ही उसके साथ कुछ हो, तो लड़ाई तो वहां होनी है, क्योंकि आप ममता बनर्जी को तमाम चीजें वैसे ही दे चुके हैं, अधीर रंजन चौधरी का ममता विरोध कोई नया नहीं है, तो ये जो छत्रपों की अपनी लड़ाई है वो अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस के लिए मजबूरी ये है कि उसको पोस्टरिंग ये करनी है कि वो बीजेपी से लड़ने के लिए आप देखिए कितने कितने बलिदान करती है, वो अपने धुर विरोधी केजरीवाल को, जो केजरीवाल उसकी जड़ें काटते हैं, जो केजरीवाल उसके वोट बैंक को कैप्चर करते हैं, उनके साथ भी खड़ी हो गई, क्योंकि बीजेपी को पीछे करना है, तो मुझे लगता है ये पोस्टरिंग होगी और ये हर जगह होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो ये प्रेशर बनाकर उनको, अगर मैं जो अखिलेश यादव या किसी भी एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में कहूं जो ये कहते हैं कि कांग्रेस बहुत हार्ड बार्गेनर है, जो अपनी ताकत से ज्यादा सीट हासिल करना चाहती है अपने अतीत के नाम पर, तो वो आपको हर जगह दिखाई देगा और यही एक बड़ा कारण होगा कि तब बिखराव होगा। हालांकि ये प्रेशर होगा, मुस्लिम वोटर्स का प्रेशर होगा कि ये पार्टियां एक साथ खड़ी हों, नहीं तो मुस्लिम एक रास्ता चुनकर आगे बढ़ेगा, और वो जो 91-92% और 88% का जो गणित है वो इन पार्टियों को बहुत हार्ड स्टैंड बीजेपी के खिलाफ, अभी आपने देखा बजरंग दल है, हो सकता है कि कोई ये पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड ये आए कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, लिहाजा इस पर बैन करने के लिए वो कोशिश करेंगे, ये भी उनके नेता कहेंगे, तो ये सब चीजें आते हुए दिखेंगी, लेकिन वो लड़ाई बाद में होगी। आज की डेट में हम लोग जो दिल्ली की लड़ाई कर रहे हैं, दिल्ली की लड़ाई पर चर्चा कर रहे हैं, राज्यसभा में अलग लड़ाई लड़ी जाएगी और सड़कों पर वो लड़ाई अलग होगी। जी, काफी रोचक विषय हो गया है ये, और मुझे लगता है कि इसमें दो अलग अलग मत तो रहेंगे ही। बस मैं कर्नाटका के बारे में जो लोगों के आकलन है मुस्लिम मत के बारे में, वो थोड़ा सा उसका एक कॉन्ट्रेरियन मेरा व्यू पॉइंट दे देता हूँ, क्योंकि सब कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम मतों की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी, ऐसा कतई नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि पिछली बार 80% वोट था, इस बार 88% वोट है, और 8% वोट बढ़ा है 13% पॉपुलेशन का, तो उसका नेट इम्पैक्ट 1.04% आता है, और कांग्रेस का टोटल वोट जो बढ़ा है वो 4.88% बढ़ा है, तो जो 3.84% जो वोट बढ़ा है वो उन क्षेत्रों में बढ़ा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग थी, यानी कि बॉम्बे कर्नाटका और सेंट्रल कर्नाटका, तो बीजेपी हारी इस कारण से है। जो आपके मुस्लिम वोट है वो मुख्यतः ओल्ड मैसूर क्षेत्र में और कोस्टल में, और जो हैदराबाद कर्नाटक है वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और बीजेपी हारी उन स्थानों पर है जहां मुस्लिम वोट जो है वो बहुत कम है। तो इसको जो है इस प्रकार से थोड़ा सा विश्लेषण करके देखें तो आप पाएंगे कि जो मुस्लिम नेतृत्व की एक क्षमता है कि वो क्रेडिट लेने में और विक्टिम प्ले करने में सदैव आगे रहता है, और हमारे लोग जो है बिना विश्लेषण किए उसको मान लेते हैं जितना ज्यादा ये इसका, हालांकि इसका फायदा होता है उल्टा बीजेपी को भी, कि जितना ज्यादा ये चिल्ला चिल्ली करते हैं तो बीजेपी को भी उसका उल्टा फायदा होता है, लेकिन तथ्य तो कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में तो कम से कम ये है।
और ये भी बात सही है कि ये जो आपाधापी करते हैं हर बार, विशेषकर लोकसभा चुनाव में ये जो आपाधापी करते हैं मुस्लिम वोट के लिए, उसका लाभ जो है वो नरेंद्र मोदी को ही जाता है। आप क्या कहेंगे ओंकार जी? देखिए बात सही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब जैसा मैंने कहा, अभी अभी भी धीरेन्द्र जी तो वहीं अड़े हुए हैं कि शायद राज्यसभा में ये लोग अलग तरीके से लड़ते हुए दिखाई दें, खड़े होते हुए दिखाई दें, और बाहर कुछ अलग तरह की लड़ाई लड़े। पर मेरा अभी धीरेन्द्र जी से ये कहना है कि टाइम बिल्कुल रह नहीं गया है। अभी हम मई में हैं, मई के बाद अब आप देखिए तेलंगाना है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा जो है आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ भी तो मुसलमान हैं, यहाँ भी तो मारामारी है। छत्तीसगढ़ को चलो छोड़ दो कि वहाँ पर उतने नहीं हैं, पर मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तेलंगाना में तो बहुत है। और जो कुछ शुरू हो चुका है ऑलरेडी, मतलब आप केसीआर को नहीं बुला रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल को नहीं बुला रहे, ममता बनर्जी जा नहीं रही, अपने प्रतिनिधि को भेज रही, लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और जो बातें संजय जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जब उनको लगा कि ऑलरेडी वहाँ ध्रुवीकरण बहुत तेज है, तो ये जो बजरंगबली के जयकारे लगवाए थे उन्होंने, वो कोई ऐसी थोड़ा लगवाए थे, वो समझ गए थे। और जो रिपोर्ट्स आ रही थी जमीन से, उसमें भी उनको लग रहा था कि ये अगर पूरी तरीके से ध्रुवीकृत हो चुके हैं, क्योंकि पीएफआई का मसला भी था, इसके अलावा हिजाब प्रकरण हो के निपटा था, फिर ये मसला आ गया था बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का, कांग्रेस ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पर खींच लिया और भारतीय जनता पार्टी उसमें आ भी गई। तो इसलिए नरेंद्र मोदी के प्रयास करने के बावजूद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उभर नहीं पाई, और मैं इसको बड़ी हार मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। ये ठीक वैसी ही हार है जैसी छत्तीसगढ़ में इनकी हुई थी। तो ये जो अगले 8-10 महीने बचे हैं, इनमें जो 3-4 राज्यों के चुनाव हैं और फिर अल्टीमेटली लोकसभा के चुनाव हैं, उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। मैं अभी शो में बैठने से पहले संजय जी को कह रहा था कि नई पार्लियामेंट का जब पहला सेशन होगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे चौके छक्के जड़ने वाली है। अब उसके सामने कोई विकल्प बचा नहीं है, वो चाहे यूसीसी का हो, चाहे दूसरे, आज एक बयान शुभेंदु अधिकारी ने दे दिया वन इंडिया वन पुलिस करके, ऐसे बहुत सारे फैसले नई पार्लियामेंट में होने वाले हैं, और वो सारे इसको ध्यान में रख करके ही होंगे कि 2024 के लिए हम अब तैयारी कर रहे हैं, हम एक दिशा पकड़ रहे हैं। और कर्नाटक में हार के बाद तो ये तय मानिए कि जिन जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पीछे की तरफ दिखाई दे रही थी, अब खुल करके सामने आएगी, इसके अलावा उसके सामने कोई चारा भी नहीं बचा है। बिल्कुल सही है। तो अब आइए अब हम चलते हैं दर्शकों की ओर, दर्शकों के प्रश्नों को अब हम ले लेते हैं। एक बार पुनः सभी को याद दिलाते हुए, मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज जारी है, और जब तक मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक 30% का डिस्काउंट भी मर्चेंडाइज पर जारी है, और जल्दी कर लेंगे तो हो सकता है उसको आगे और भी बढ़ा दें इसी उपलक्ष्य में, तो जल्दी ही कराइए, वही अच्छा होगा। आइए प्रश्न लेते हैं। अमन जी पूछ रहे हैं, ग्रेट एनालिसिस सर, केजरीवाल इज गॉन, व्हेनेवर आई फील लो यू कम अप लाइक अ बॉल फुल ऑफ नॉलेज, आई गेस यू आर माय लो डे का बॉल। अरे वाह अभी तो केजरीवाल जी के साथ बहुत कुछ होना है मुझे लगता है, ये तो एक छोटा सा है। और वैसे धीरेन जी के जुड़ने से पहले मैं इसकी लीगल एनालिसिस भी कर चुका था कॉन्स्टिट्यूशनली, कि किस प्रकार से जो आर्टिकल 239AA है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है,
बिजनेस रूल अदर देन जो कुछ जो एंट्री 1, 2 और 18 है स्टेट लिस्ट की, उसके अतिरिक्त भी लॉ बना सकती है। ये 239AA में ही लिखा हुआ है, दिस इज सबसेक्शन 3। देखें आप 239AA, इसका सबसेक्शन, इसका क्लॉज 3 और उसका सबसेक्शन बी 3B, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आर के गुप्ता जी आपको धन्यवाद। JBJP बीजेपी हारी राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो ब्लेम अभिषेक तिवारी। देखो भैया, हम तो अभिषेक तिवारी को पूछते भी नहीं, राजस्थान की तो आप मेरे से गारंटी ले लो, कोई शर्त वर्त लगानी तो वो भी लगा लो कि वहां तो कांग्रेस नहीं जीतती किसी भी हालत में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हम अभी कह नहीं सकते, आगे देखेंगे कैसे चलता है। नेक्स्ट कह रहे हैं ST, व्हाई नॉट कांग्रेस थॉट ऑफ दैट इफ दे कम टू पावर ऑन 2024, हाउ दे विल मैनेज AK इफ दे सपोर्ट टुडे टू एक टू AK इन राज्यसभा। जी धीरेन जी बताए, धीरेन जी हाँ, मुझे लगता है कांग्रेस बहुत तरीके से सोचे बैठी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए अभी भी उसके अंदर देखिए लीडरशिप का उसके पास कोई एक, अगर उन गांधी फैमिली साइंस को छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि उसके पास लीडर्स नहीं है। उसके पास अशोक गहलोत, उसके पास अभी आपने देखा कैसे JD मतलब लड़ाई के बावजूद उन लोगों ने कर्नाटक फतेह किया है, उनके पास लोग हैं। यहाँ भी अजय माकन जैसा है, अगर आप देखेंगे अजय माकन बहुत शुरू से लेकर आज तक बहुत क्लैरिटी के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ किसी भी सहयोग के खिलाफ पूरी तरह से स्ट्रॉन्गली है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस इस समय 2024 को ज्यादा, हालांकि संजय जी ने शायद ये भी बताया होगा कि 6 महीने हैं और अगर हम लोग 6 महीने जोड़ लें तो वो तो 11 वैसे ही हो जाएगी, 11-12 तक उस तरह चुनाव तक उनके पास ये राइट है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं कि उनको जरूरत पड़े। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास एक प्लान नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो 6 महीने जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल इस हिसाब से देखते हैं उसको, हाँ, दो सेशन के बीच में 6 महीने होते हैं, लेकिन ये नहीं है उसमें जो रूल, ये है कि किसी भी सेशन के स्टार्ट होने के 6 हफ्ते के अंदर आपको उसे पास कराना है। अब लोग उसमें जो 6 महीने हैं वो इस हिसाब से डाल देते हैं कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 6 महीने प्लस 6 हफ्ते जो है ये मैक्सिमम है, लेकिन मानसून सेशन तो होना ही है ना, तो जिस दिन मानसून सेशन शुरू होगा उसके 6 हफ्ते में इसको पास करवाना है। सर तो मुझे लगता है कि उसके लिए तैयारी तो है उनके पास। जी JBJP वो तो है, 110 उनके पास है, 118 चाहिए, ओ उसमें इधर उधर से अभी 2 और आ सकते हैं, 2 नॉमिनेशंस बाकी हैं। हाँ तो 112 के बाद 118 नहीं पहुंचेंगे क्या? और वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, चलिए मान लेते हैं वो भी नहीं हुआ, तो उनके पास अगला ऑप्शन है ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, फिर क्या कर लेंगे? ज्वाइंट सेशन में तो किसी के पास कोई ज्वाइंट सेशन बुलाए तभी जाता है, पोटा के टाइम पे बुलाया था ना अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनका जो है वो प्रपोजल गिर गया था राज्यसभा में, तो उन्होंने ज्वाइंट सेशन बुला के पास करवा दिया इनको, तो पास तो इसको है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लंबी पूंछ लगाने वाली है इनको। जी जी JBJP जी कह रहे हैं इफ UP मुस्लिम वोट एज कर्नाटका इन 24 एक्सटेंट ऑफ लॉस टू BJP, अरे किया था ना 2019 में 2019 में कर चुके हैं, 2022 में भी किया है ना, और 2022 में भी कर चुके हैं, 2017 2014 नहीं 2017 में तो बट गए थे BJP BSP और 2022 में तो, लेकिन 2022 में तो एक तरफा दिया था, और अब उल्टा हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश की जो मैं हालात देख रहा हूँ, मेरा अनुमान तो ये है, आप लोग मुझे इसमें करेक्ट करेंगे, वो ये है कि
उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वह बुरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है, उसको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो हमको आगे नहीं निकाल सकती, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वो कंफ्यूज होकर कांग्रेस की तरफ भी चला जाए अगली बार मेरठ में। MIM को जिता दिया, मैं आपको सेकंड कर रहा हूं जी, और वो अगर हुआ तो BJP 80 सीट जीत जाएगी। अभी देखो ना, कई ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं वहां हो चुकी है, आजमगढ़, रामपुर, स्वार, मतलब कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। मतलब अब योगी ने वो एक दूसरा जो है वो ठोकशाही का एक दूसरा रूप दिखा दिया है, और ये दिखाया है कि भाई मुस्लिम अपीजमेंट के अलावा जीतने का एक दूसरा तरीका भी है जिसको ठोकशाही बोलते हैं, और उसके कारण जो है मुस्लिम्स जो है वहाँ पे वो पूरे कंफ्यूज हो चुके हैं। आगरा में BSP को वोट दे रहे हैं, तो मेरठ में MIM को वोट दे रहे हैं, कहीं वोट देने नहीं जा रहे हैं, तो इस तरह के भांति भांति के अलग अलग स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो बिल्कुल जो है जो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स कर्नाटका इन 24 विल हैव नो इम्पैक्ट, जीरो इम्पैक्ट, जितना ज़्यादा वो करेंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। UP में 6-7 फेजेस में इलेक्शन होते हैं, पहले फेज से ही रुख पता चल जाता है और उसका पूरा का पूरा फिर निपटारा बाकी 5-6 फेजेस में कर दिया जाता है। मैं सही कह रहा हूँ ओंकार जी, धीरेन जी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन शुरू करता ही जो है वो वेस्टर्न UP से, हाँ एक तरफ से शुरू करता है, शाकुंभरा से शुरू होता है, शाकुंभरा देवी से, 01 बेहट विधानसभा है वही फिर लोकसभा में बदलती है, सहारनपुर बेहट जी। तो आइए अब इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। आप सभी, एक प्रश्न और आया है जी। प्रणाम गुरु जी, किशन पोल बाजार से हिंदू पलायन के बारे में वीडियो बनाने के जानकारी दीजिए प्लीज़। भाई देखिए, मैं इसको बहुत नज़दीकी से देख रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पता चला है वो ये है कि ये एक बड़ा ही पर्सनल का आपस का मामला है, किसी ब्राह्मण देवता ने मुसलमान को अपना घर बेच दिया है जिसको उनके पड़ोसी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति है। तो ये पलायन वलायन वाला तो आजकल जानते हैं कि प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत कुछ होता है, तो इसको अभी देखते हैं। इसीलिए मैं इस तरह के किसी भी घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, क्योंकि सदैव ऐसे मामलों में कुछ न कुछ आगे पीछे होता है जी। और कोई प्रश्न है? नहीं, ये अंतिम प्रश्न था, तो इसी के साथ हम इसको विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।